जितने भी बुजुर्ग हैं सब नाराज हैं, सभी के लिए अच्छाई का काम किया भाई। भाई नवीन जिंदाबाद, भाई नवीन जिंदाबाद। ये सरकार सिर्फ रईसों की सरकार है, ये सरकार जो है उनके जो एजेंट्स है लाग रहे हैं, सेटलिंग कर रहे हैं बाहर के लिए, सेटलिंग कर करके रोजगार दे रहे हैं। मेरी आई सरकार से विनती है कि नवीन भाई को जितना जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए उतना ही अच्छा होगा, नहीं तो भाई सरकार हम बना भी जानते और सरकार को गिरा भी जानते। पिछले दिनों गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजे गए नवीन जयहिंद की रिहाई की मांग को लेकर कई गांव से लोग लघु सचिवालय पहुंचे और एसडीएम की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन देकर नवीन जयहिंद की जल्द रिहाई की मांग की है। राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। जानकारी के अनुसार नवीन कौशिक की अध्यक्षता में कई गांव से लोग लघु सचिवालय पहुंचे और नवीन जयहिंद की रिहाई की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार जयहिंद की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गई है, जबकि जयहिंद ने जातिवाद से दूर रहते हुए समाज के हर वर्ग की मांग उठाई है, लेकिन प्रदेश सरकार इसमें भी जातिवाद का रंग घोलकर भाईचारे को खराब करने का प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार ने उसको जेल भेजकर बहुत अन्याय किया, जिसकी कीमत आने वाले समय में सरकार को चुकानी पड़ेगी। जब तक जयहिंद की रिहाई नहीं होती, न्याय के लिए समाज संघर्ष करता रहेगा। क्या नाम है? मेरा नाम नवीन कौशिक भाई। क्या मामला यह था कि भाई साहब अब भाई नवीन जयहिंद गरीबों के आवाज उठा रहा है, चाहे वो भाई बुढ़ापा पेंशन लगा लो और भाई अपने जो खिलाड़ी है उनका कोटा दिलवाया, गरीबों के मकान गिरने से बचाए। ये भाई अपने अच्छे काम कर रहा था, इसको सरकार ने घेर लिया और भाई अच्छे काम जो कर रहा था उसने तो घेरेगी सरकार। तो भाई मेरी आई सरकार से विनती है कि नवीन भाई को जितना जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए उतना ही अच्छा होगा, नहीं तो भाई सरकार हम बना भी जानते हैं और सरकार को गिरा भी जानते हैं। क्या मानते हैं कब तक हो जाएगी? क्या आज आपने क्या किया इसको लेकर? ये जल्द से जल्द उन भाई की रिहाई के लिए हम ज्ञापन दिया है और भाई सप्ताह के अंदर उसकी भाई साहब की रिहाई भी होती है। हम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है भाई नवीन जयंत की रिहाई के लिए सापला एसडीएम, भाई नवीन जयंत के लिए एसडीएम साहब का ज्ञापन का सापला। हमने जो ज्ञापन दिया है, क्या नाम है और ये क्या मामला? मेरा नाम जी करमबीर है। मैं जो है आज जो आया हूँ यहाँ पे अपने युवा साथियों के साथ, अपनी माताओं बहनों के साथ, हम यहाँ पे एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे। भाई नवीन जैन जो है वो एक समाज के लिए लड़ने वाला है, 36 बरादरी के लिए लड़ रहा है। ईद जो भी नवीन भाई जैन के साथ ये कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। ये एक नवीन जैन नहीं है, ये 1,00,000 है और 10,00,000 भी है। कभी यो बहन हो सरकार का उन्हें जेल में घेर कर और ये मनमानी करेंगे नहीं और देंगे। भाई नवीन ने सिर्फ पीजीआई में जो रोड़ा हुआ है वो रोड़ा भाई नवीन जैन का ना था, वो उन माता का था, उन बहना का था जो उड़ा नौकरी के लिए गए थे। हरियाणा का कोटा हरियाणा से दिया जा, बारका ने भीतर सेटिंग करके भीतर नौकरी देने लग रहे हैं। बारका ने बोला बोला कर चिट लेकर भीतर बढ़ जा है, ऊ गड़बड़ी में रोकती भाई भीतर गया था। भाई ने कोई किसी तरह ऐसा काम नहीं करा। सोनाली फोगाट ने पब्लिक में जूते मारे थे, सरकारी नौकर के अफसर का मारे थे, वह सरकार की गोद में बैठी थी, उसके खिलाफ तो कुछ होया नहीं। भाई जयंद जगह जगह बुढ़ापा पेंशन करवाई, खेल कोटा दवाया, युवा के रोजगार के लिए लड़ने लग रहा। जो भाई नवीन जयंत के साथ ये सरकार कर रही है हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। युवा शक्ति, मास्टर शक्ति, बुजुर्ग सब भाई के साथ है। भाई अगर जेल में हमने भी जेल में भेज दो भाई तो ती खट्टे साहब डर नहीं लगता, उन्हें फांसी तोड़ो हमने भी तोड़ दो। मारी सिर्फ एसडीएम साहब से यह गुजारिश है, जो हमने एसडीएम साहब का ज्ञापन सौंपा है भाई नवीन जैन को जल्द से जल्द रिहा करा जाए। धन्यवाद। आगामी कदम क्या होगा? आगामी कदम हमारा ये है, अगर भाई जैन को रिहा नहीं किया जाता फिर खट्टर सरकार फिर या बीजेपी सरकार नहीं, मत कहियो अक युवा यो काम कर रहे हैं, रोड जाम करेंगे, जगह जगह धरना देंगे, सरकारी दफ्तर में जाकर बैठ जाएंगे, फांसी तोड़ लेगा हमें, हम नहीं जुटते कति, बेरोजगार रहेंगे। कब से चलेगा ये, कब से मुहिम? हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, अगर ये सरकार कोई सही कदम उठाती है भाई ने रिहा कर दे है। हमने जो है अल्टीमेटम सरकार का जगह जगह ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, भाइया ने वोटा ने जो है जगह जगह दिए हैं, हर जगह हर स्टेट में चल रहे हैं। हमने एक हफ्ते का इंतजार है, अगर एक हफ्ते के भीतर सरकार कोई कदम उठा हुआ है तो ठीक से, न तो हम भी जेल में रहेंगे भाई गेला, बाहर कोई ना रहे वहाँ।
तो आपका सीधा सीधा आरोप है कि ये सरकार के विपक्ष, ये सरकार जो है मनमानी कर रही है, ये सरकार सिर्फ रईसों की सरकार है, ये सरकार जो है इनके जो एजेंट्स है लाग रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, बाहर क्या है सेटिंग कर करके रोजगार दे रहे हैं, जो बेरोजगार भाई अंदर लाग रहे हैं, रोड़ा पर अंदर लाग रहे हैं, कोई टुकड़ा